मोदी जी अभी तक सो ही रहे हो, मैं घर से उठ के आ गया। जल्दी उठो, गांव में घूमने के लिए चलती है, जल्दी उठो ना, सोते ही रहोगे क्या? राहुल ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है, सुबह ही आके तुम मुझे उठा देती हो। एक तो पूरी रात भर घर में इतनी ज्यादा गर्मी लगी, नींद ही नहीं आई, तो मैंने घर के बाहर ही बिस्तर लगा दिया। अब तुमने सुबह ही आके मुझे उठा दिया, कम से कम सही तरीके से आराम तो कर लेने दो, सो लेने दो। मोदी जी कब तक आराम करोगे, पूरी रात भर आप सोते रहते हो और सुबह ही पूरा दिन भर राहुल के साथ घूमते रहते हो, कम से कम काम पर निकला करो। अब मैं देखो शहर में फल बेचने के लिए जा रहा हूँ। योगी जी तुम फल बेचने के लिए जा रहे हो तो जाओ ना, तुम्हें कौन रोके पड़ा है, मुझे आराम करने दो। आराम से अच्छा मुझे कुछ भी नहीं लगता है, ऐसा लगता है शाम को सो जाओ तो दोपहर को उठो। राहुल थोड़ी देर बाद आना, फिर गांव में घूमने के लिए चलेंगे, एक घंटे की झपकी और ले लूं। अरे मोदी जी एक बात बताओ, ऐसे मैं कब तक बैठा रहूंगा? अरे सुबह के 9 बज रहे हैं, कब उठोगे? उठो जल्दी से घूमने के लिए चलते हैं। एक तो मम्मी जी मुझे काम पे भेज रही थी, मैं मम्मी जी को बहाना बना के आया हूँ। अरे मम्मी जी आ गई। राहुल एक बात बता, क्या पूरा दिन तू घूमता ही रहेगा मोदी जी के साथ? मैंने तुझसे कहा था ले थैला ले जाके गांव की बाजार में से सब्जी लिया, लेकिन तुझे तो पूरा दिन मोदी जी के साथ घूमने से फुर्सत ही नहीं है, और ये मोदी जी तो अभी तक सो रहे हैं, सुबह के 9 बजने वाले। बहन सोनिया जी क्या बताऊं, इतने ज्यादा मच्छर लगे कि नींद ही नहीं आ पाई, तो रात में नींद पूरी हुई नहीं, अब मैं सुबह को सो रहा हूँ। और राहुल मैं जब तक सो लेता हूँ, बहन सोनिया जी तुम्हें सब्जी लेने के लिए भेज रही है, जाओ बाजार से सब्जी लेके चले आओ। मोदी जी पूरा दिन ना आप काम करती हो ना राहुल काम करता है। अब देखो योगी जी शहर में फल बेचने के लिए जा रहे हैं, वो अखिलेश आ गया खेतों पे काम करने के लिए जा रहा है, लेकिन आप दोनों तो कुछ काम ही नहीं करते हो। अरे बहन सोनिया जी मैं आराम कर रहा हूँ, आराम भी तो एक काम ही है। मोदी जी शायद आपने बोनारा नहीं सुना है, आराम हराम होता है। राहुल और आप दोनों तो पूरा पूरा दिन घूमते रहते हो, दिन और रात आराम ही करते रहते हो, कब तक आराम करोगे? अखिलेश तुम्हें कोई दिक्कत है? हम तो कब कितना भी आराम करे, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अपना जाओ खेतों पे काम करो, और बहनों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या बताऊं मोदी जी, सबसे ज्यादा गन्ना आप ही का पैदा होता है, हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारा गन्ना इतना पैदा नहीं होता। मैंने और योगी जी ने भरपूर मेहनत की अपने खेत पर, तुम खुद ही देख सकते हो हमारी बैलगाड़ी में कितना थोड़ा थोड़ा सा गन्ना है, और तुम्हारी बैलगाड़ी बिल्कुल फुल है गन्ने से। राहुल तुम बेबालतू की तो बातें किया मत करो, तुम बातें ज्यादा कर रहे हो, बैलगाड़ी को हल्के हल्के चला रहे हो, इसीलिए तो अपना शुगर फैक्ट्री तक अभी नहीं पहुंची है, चीनी मिल तक नहीं पहुंची है। और तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि मेरी बैलगाड़ी में मेरा और लालू जी का दोनों का मिलकर गन्ना लदा हुआ है, जबकि तुम्हारी और योगी जी की बैलगाड़ी में तुम्हारे अपने खेत का गन्ना लदा हुआ है, तो तुम्हारा कम गन्ना है और हम दोनों का गन्ना है। लालू जी के बैल कहीं भाग गए, इसीलिए वो अपना गन्ना भी मेरी बैलगाड़ी पे लाद कर लाए हैं। इससे हमें मोदी जी कोई लेना देना नहीं, तुम अपनी बैलगाड़ी पर कितना भी गन्ना लाद कर लाओ, लेकिन कम से कम अपनी बैलगाड़ी को तो तेज चलाओ, क्योंकि आगे तुम ही बैलगाड़ी को चला रहे हो, जब तुम तेज चलाओगे तभी हम भी तेज चलाएंगे। मैं बीच में फंसा पड़ा हूँ राहुल के और तुम्हारे, चीनी मिल पर लाइन लग गई होगी बैलगाड़ियों की और ट्रक की, जल्द से जल्द पहुँचो। अरे रोको रोको अपनी बैलगाड़ियों को यहीं पर रोको। अरे अखिलेश सर जी बोलो क्या बात है, क्या दिक्कत है? अरे तुम अपनी बैलगाड़ियों में गन्ना लेकर एक लाइन से झुंड बना के चलती हो, जिससे रोड पर जाम लग जाता है, अरे अलग अलग चला करो। अरे अखिलेश सर जी अलग अलग कैसे चला करें, हम अपने गन्ने को बैलगाड़ी में एक दिन पहले लाद लेते हैं और सुबह सूरज निकलने से पहले ही पहले बैलगाड़ी लेकर शुगर फैक्ट्री की तरफ चल पड़ते हैं। अरे भाई एक साथ क्यों चलते हो, एक साथ चलने में क्या फायदा है तुम्हारा? अरे सर जी एक साथ चलने में बहुत से फायदे हैं हमारे, अगर हम अकेले बैलगाड़ी लेकर चलेंगे, अगर किसी की बैलगाड़ी में कोई दिक्कत हो गई तो वो अकेला रोड पर पड़ा रहेगा, और जब हम साथ में चलते हैं अगर किसी की बैलगाड़ी में कोई दिक्कत हो गई तो एक दूसरे की सहायता करके बैलगाड़ी को जल्द से जल्द ठीक कर लेते हैं। चलो वो कोई बात नहीं है, आराम से चलते रहो, लेकिन जाम नहीं लगना चाहिए, नहीं तो चालान कट जाएगा आपका। वैसे इस साल गन्ना क्या रेट बिक रहा है आपका चीनी मिल में? बहुत ही भयंकर मद्दा है गन्ने का इस साल, और ऊपर से मेरे बैल भाग गए इस साल, मुझे तो डबल नुकसान हो गया, एक तो गन्ने का रेट भी कम है, ऊपर से मेरे बैल भी भाग गए। बहुत तो भला हो इन मोदी जी का जो अपनी बैलगाड़ी पर मेरा गन्ना ले आए। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रोको रोको मोदी जी अपने भैंसे को रोको, यहीं पर रोक लो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहा है? अरे आगे बड़े चले आ रहे हो मोदी जी अपना भैंसा लेके, पीछे देखो योगी जी है। जी बोलो योगी सर जी, अब क्या बात हो गई? पहले मैंने ऑटो रिक्शा लिया, उससे तुम्हें दिक्कत हुई, उस पर तुमने चालान काट दिया तो उसे मुझे बेचना पड़ा। उसके बाद मैंने बस खरीदी, उस पर भी तुमने चालान काट दिया, वो भी मुझे बेचना पड़ गई। फिर मैंने दो बैल खरीदे थे, बैलगाड़ी चलाता था, उस पर भी चालान काट दिया तुमने, उन बैलों को भी मुझे
बेचना पड़ गया। अब ये मैं भैंसा खरीद के लाया हूँ, भैंसा गाड़ी बनाऊंगा, अब क्या दिक्कत है तुम्हें? अभी तो मैं भैंसा लेके घर भी नहीं पहुँचा हूँ, क्या रास्ते में ही चालान काटोगे मेरा? हाँ मोदी जी, तुम्हारे भैंसे का चालान काटना पड़ेगा, मुझे काटना पड़ेगा, काटना जरूरी है। किस लिए? अब क्या गलती कर दी मेरे भैंसे ने, बताओ क्या बात हो गई? तुम अपने इस भैंसे को अपने पास नहीं रख सकते, अभी तुम रास्ते में ही हो, अभी घर तक नहीं पहुँचे हो, हमें खबर मिली है तुम अपने इस भैंसे को मार बहुत रहे हो डंडे से। अरे मैं पिछले गांव से इसे खरीद के ला रहा हूँ और इसके ऊपर बैठ के आ रहा हूँ, ये भैंसा अपने पिछले वाले मालिक को छोड़ के आया है तो थोड़ा गुस्से में है, सही तरीके से चल नहीं पा रहा है, घर मेरे आना नहीं चाहता, इसीलिए इसे एक दो डंडे मार के लाया हूँ। लेकिन मेरी छोटी से छोटी बात को आपको कौन बता देता है? ये जरूर इस राहुल का काम होगा। अरे मेरा कोई काम नहीं है मोदी जी, मैंने बिल्कुल नहीं बताया है नहीं योगी जी को। अच्छा वो सब बात छोड़ो, ये बताओ तुमने अपने इस भैंसे को मारा नहीं है? जब ज्यादा भैंसे को मारोगे तो पुलिस तो आई जाएगी। अरे भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक दो डंडे हल्के हल्के से मारे हैं, क्योंकि ये अपने घर को छोड़कर मेरे घर नहीं आ रहा था। एक बार ये बीच रास्ते में आ गया, अचानक इसने मुड़ के अपने घर की तरफ भाग लगा दी, फिर से मैं लाया, फिर ये भैंसा बिल्कुल मेरे घर पहुंचने वाला था, अचानक मेरे घर से ही इसने भाग लगा दी, फिर अपने पुराने मालिक के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार मैं इसके ऊपर बैठ के आया और हाथ में एक डंडा ले लिया, इसी तरीके से अब इसे ला रहा हूँ अपने घर। अरे भाई मोदी जी, जब ये आपके पास भैंसा रुकना ही नहीं चाहता है तो इसे क्यों खरीद के लाए हो? ऐसा है, अभी ये पिछले मालिक के प्यार को भूला नहीं है, जब मैं इसे बहुत प्यार करूंगा, अच्छी तरीके से इसे चारा खिलाऊंगा, ये मेरे पास रुक जाएगा। आप जाओ, टेंशन मत लो। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। योगी जी, एक हफ्ते से गांव में क्या गजब की रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है घर के बाहर इस तरीके से बारिश को होता हुआ देखकर। पिछले साल तो अपने गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था, इस बार बहुत अच्छी बारिश हो गई। योगी जी, बारिश में तुम्हारे घर के बाहर बैठे क्या ऐसी बैठा ले रहोगे? मतलब मैं समझा नहीं मोदी जी, क्या कहना चाह रहे हो ऐसी बैठा ले रहोगे, बैठे ही हो तुम तो। ये भी कोई मेरे समझाने वाली बात है योगी जी? जाओ अंदर घर में, जाओ गर्मा गर्म सरसों के तेल में पकौड़े तल के ले आओ, जाओ लाओ, यहाँ बैठे बड़ा मजा आएगा बरसात में पकौड़े खाते हुए। अरे मोदी जी, तुम तो जानते ही हो पिछली बार कितना भयंकर सूखा पड़ा था, उस सूखे में मेरी सरसों की फसल पैदा ही नहीं हुई, इसीलिए सरसों का तेल नहीं है घर पर, नहीं तो पकौड़े बना लाता, आपकी बात नहीं टालता मैं। वैसे योगी जी, बिना सरसों के तेल के खाना थोड़ी बनाते होगे अपने घर में। चलो कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं तुम्हारे घर में सरसों का तेल नहीं है, चलो एक प्याली सरसों का तेल मैं लेके आता हूँ, लेकिन पकौड़े बनाने की तैयारी करो। अरे राहुल, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया, सरसों का तेल तो तुम ले आओगे एक प्याली, लेकिन पकौड़े तलने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा, और चूल्हा जलाने के लिए मेरे पास लकड़ी भी नहीं है, बिना लकड़ी के पकौड़े कैसे तल जाएंगे? चलो भाई योगी जी, कोई बात नहीं है, लकड़ी का इंतजाम हम कर देते हैं। बारिश से पहले जंगल से मैं सूखी सूखी लकड़ी लाया था, वो अभी तक पड़ी हुई है, वो लेके आ रहा हूँ, तुम पकौड़े बनाने की तैयारी करो। अरे अखिलेश, मैं तो एक बात भूल ही गया, तुम चलो लकड़ी ले आओगे और राहुल तेल ले आएगा, लेकिन बेसन या आटा भी तो नहीं है जिससे पकौड़े तैयार होंगे। चलो इस बात की टेंशन मत लो योगी जी, अमित शाह जी की दुकान से मैं बेसन खरीद के ले आता हूँ, तुम पकौड़े बनाने की तैयारी करो, अंदर जाओ अपने घर में। चलो भाई कोई बात नहीं है, पकौड़ा बनाने की तैयारी करते, जाओ सारा सामान तुम लोगों ने जो कहा है लेके आओ, राहुल तुम सरसों का तेल लाओ, अखिलेश तुम लकड़ी लाओ, और केजरीवाल जी जाओ बेसन लेके आओ। अरे एक चीज और भूल गया, कल ही घर में नमक और मिर्ची खत्म हुई है, नमक मिर्ची के बगैर पकौड़े कैसे बनेंगे? अरे मैं तो समझ ही रहा था मेरा नंबर आने वाला है, जाओ तुम तैयारी करो, भाई हम भी नमक मिर्ची ले आते हैं अपने घर से। जब मोदी जी ने कह दी कि बरसात में पकौड़े खाना है तो खाना है, चाहे कुछ करना पड़े उसके लिए। भाई लोग।